क्वेश्चन है क्या कि 10 70 डिग्री इक्वल टू 2 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। बेटा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा वो थोड़ा सा आपको देखना है। ओके, प्रूफ ये करना है। तो हमने एक एक कल क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन में याद दिला देता हूँ आपको। वो क्वेश्चन ये था कि 10 8 डिग्री एट थीटा माइनस 10 6 थीटा माइनस 10 2 थीटा इक्वल्स टू 10 8 थीटा डॉट 10 6 थीटा डॉट 10 2 थीटा। ये क्वेश्चन था बेटा, हमने ये क्वेश्चन किया है। अगर जो बच्चे नए हैं उनको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो पहले वाली क्लास लीजिएगा और इस क्वेश्चन को सीखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। छोटे छोटे तरीकों से हमने क्वेश्चन को देखा था। बेटा हमने कल इतनी बातें की कि अगर 2 से ज़्यादा एंगल आपको शो हो रहे हैं तो ये देखिएगा कि उसमें एक बड़ा एंगल है वो उन दोनों के एड से आया है। हाँ, ये एंगल इन दोनों के एड से। तो हमने बोला था कि पहले आपको बड़े से बड़ा एंगल देखना है और बड़े से बड़े एंगल को ब्रेक करना है छोटे एंगल में। और यही क्वेश्चन ये है, बड़ा एंगल ये रहा आपका और छोटे एंगल ये रहे, इन दोनों के सम से ये एंगल आए हैं। सर कल ये 2 नहीं था तो इस 2 का खेल खेल लेते हैं। आप बस इतना देख लीजिएगा कि 10 आपको 70 डिग्री दिख रहे हैं वो मेरे को दिख रहे हैं, 10 50 प्लस 20, और ये 10 ए प्लस बी का दिखेगा आपको तो 10 बोलिएगा भाई 50 प्लस 10 20 अपॉन 1 माइनस 10 50 डॉट 10 20। यहाँ तक अगर किसी बच्चे के कोई डाउट है तो आप शेयर कीजिएगा। हाँ बेटा, बड़े से बड़े एंगल को ही देखना है, बड़े से बड़े एंगल को ही देखना है आपको, बड़े से बड़े एंगल को देखना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हाँ जी, अब आगे देखते हैं। ये बेटा ये 10 इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये नज़र देखिएगा थोड़ा सा इस पर। ये आपका 10 70 डिग्री है, हाँ यही है ये। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपका, 10 70 डिग्री 1 माइनस 10 50 डिग्री 10 20 डिग्री इक्वल टू 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। हाँ जी, यहाँ तक हमने कल तक सीखा था, लेकिन यहाँ देखिएगा इसको आप सोल्व करोगे तो ये नज़र आएगा आपको 10 70 डिग्री माइनस 10 70 डिग्री 10 50 डिग्री 10 20 डिग्री इक्वल्स टू 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। हाँ जी, और यहाँ के बाद अगर आप देखोगे तो इन दोनों का सम 90 है तो इनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। हाँ बेटा, ये छोटे छोटे कदम ही हैं आपके जो आपको ट्रिगों में सोचना सिखाएंगे और क्या होता है, क्या बनता है, कहाँ आपका आंसर आता है। तो आप देखिएगा, ये आपके पास नज़र आ गया होगा कि 10 70 माइनस 10 50 इक्वल्स टू 10 50 प्लस 10 20। और बेटा ये इधर आएगा तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। हाँ बेटा, सबसे मोनिका बोल रही है कि सर हमें किस तरीके से दिखेगा क्वेश्चन।
बेटा आपको बस इतना सा ध्यान देना है कि कोई दो का सम तीसरा है, कोई दो एंगल का सम अगर तीसरा है तो उसको ब्रेक कीजिएगा ए प्लस बी में या ए माइनस बी में। कोई दो का सम तीसरा है तो उसको ब्रेक कीजिएगा ए प्लस बी में या ए माइनस बी में। ये आपको प्रैक्टिस से बनेगा, सब कुछ प्रैक्टिस से होगा।